मैं चुनाव जीत कर आऊंगा, सरकार जितनी फंड देगी देगी, और उसे अलग जरूरत पड़ेगा स्कूल बनाने के लिए तो मैं अपने निजी कोष का उपयोग स्कूल के लिए करूंगा। आपने कभी देखा है विधानसभा में आपके विधायक को लड़ते हुए, जनता की आवाज़ को बुलंद करते हुए आपने कभी देखा है, कभी सुना है? भूतो भविष्यति कभी हो गया हो, एक बार बोलने भी गए तो अध्यक्ष जी डांट दिए, उसके बाद डर से हमको जल्द लगता है कि अब जनता मालिक आवाज़ भी नहीं रखते। जो नाव दुर्घटना है आज यहाँ से 10 या 15 वर्ष हो गई मैडम को, 15वां वर्ष मैंने गुजरी है, 15वां वर्ष में चली गई। पहले आई तो वादा करके गई, हम जीतेंगे, जीतूंगी तो पुल बनाऊंगी, रामा देवी कहकर गई थी। जब जीत गई तो उसके बाद देखने नहीं गई कि लोगों का क्या हालात है। ये अभी वर्तमान के विधायक बने हुए हैं, अपनी पिछले चुनाव में दोनों आदमी एक के साथ गए थे। आप जानते हैं ना, मंदिर बड़ा चमकदार है, और बड़ा मतलब कि माता का मंदिर जो है पूरे लोगों में चर्चा का विषय है कि माता बहुत जश देती है लोगों को। उस माता के मंदिर में फिर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए अपना क्रिया खाने का काम किया, कसम खाने का काम किया, और कहा कि अभी अपनी जीतेंगे, अपनी विधायक बनेंगे तो पुल को बनाने का काम करेंगे। तो ये लोग तो जुमलेबाज है, आप जानते हैं, चुनाव का समय आएगा तो कोई भी जुमला बोल पाए बोल जाएगा, और जब कुर्सी मिल जाती है तो उसको देखने नहीं लेकिन जाएगा। तो वर्तमान जो यहाँ के विधायक है वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि सरकार के समक्ष हम इस बात को रख चुके हैं और जल्द यहाँ पे पुल बनेगा, आपको विश्वास है कि बनने वाला? आपने कभी देखा है विधानसभा में आपके विधायक को लड़ते हुए, जनता की आवाज़ को बुलंद करते हुए आपने कभी देखा है, कभी सुना है? भूतो भविष्यति कभी हो गया हो, एक बार बोलने भी गए तो अध्यक्ष जी डांट दिए, उसके बाद डर से हमको जल्द लगता है कि अब जनता मालिक आवाज़ भी नहीं रखते। कल उन्होंने लोगों के सामने तो ये भी उन्होंने बोला था कि हम कहते हैं सरकार मेरी बात नहीं सुनती है, तो जब बात सरकार नहीं सुने तो हम सरकार के नहीं है, हम इस विधानसभा के जनता मालिक के हैं। जरूरत होगा विरोध करना तो उस सरकार के विरोध में भी खड़ा होने का काम करेंगे और जनता मालिक के हक और अधिकार को दिलाने का काम करेंगे। लेकिन आज तक वो पुल होता तो यह हादसा नहीं होती, प्रति वर्ष 2, 4, 5, 10 लोग मर जाते हैं, लेकिन कभी पुल का चर्चा ये लोग नहीं करते। ये लोग कब चर्चा करेंगे? जब चुनाव आएगा तो अपनी माता के मंदिर में कसम खा कर आए हैं, अब किस मंदिर में कसम खाए जाएंगे तो जनता मालिक विचार करेगी। यही हालात है गुड़िया का। हमारे चैनल के माध्यम से क्या मांग होगी यहाँ के जो वरीय पदाधिकारी है उनसे, वहाँ के लिए, गुड़िया के लिए? हमने वरीय पदाधिकारी SP साहब थे, प्रभारी DM बनकर DDC साहब आए थे, अंचलाधिकारी थे, SDO साहब थे, मैंने सब लोगों को कहा कि आप ही लोग न हैं कि इस गोड़िया का जनता मालिक, गोड़िया, बेला, कुलवड़वा, हराज, ये जितने भी एरिया के जनता मालिक ने चंदा करके पुल बनाने का काम किया था, आप लोगों ने रातों रात आकर उस पुल को उजाड़ देने का काम किया, उसमें हादसा की डर थी, नाव से प्रति वर्ष हादसा हो रही है, इसकी डर आपको नहीं है? कभी आपने खबर लिया? कभी आपने लेटर मुख्यमंत्री के पास अपने स्तर से बढ़ाया कि हमने उस धरातल पर गया है, वहाँ पुल की अति आवश्यकता है? SP साहब, DM साहब, प्रभारी DM साहब, आपको मैं कह रहा हूँ, आप लोग अपनी काम कीजिए। तो जनप्रतिनिधि लोग क्या करते हैं? तो हम लोग जनप्रतिनिधि तो आपके सामने हैं, आप लोग भी अपना काम कीजिए, जनप्रतिनिधि नहीं करते हैं तो आप भी तो अपना काम कीजिए। मैंने कल ही कहा हूँ, वहाँ के लोगों से भी आपने बातचीत करने की कोशिश की, जिस तरह से वहाँ पर वर्तमान विधायक ने लोगों को आश्वासन दिया, जी लोगों को, और आपको क्या लगता है कि पुल बनकर तैयार हो जाएगी बहुत जल्द? मैंने तो बता दिया आपको, आश्वासन तो कसम में बदल गया तो भी वो पुल नहीं बना। आगे की बात तो बोलने वाले बताएंगे, मुझे तो आशा नहीं है कि वो बोलने वाले लोग पुल बनाएंगे। अरे आए थे एक MP प्रत्याशी सैयद फैसल अली, उन्होंने वादा किया था उस गोड़िया पुल के लिए, मैं चुनाव जीत कर आऊंगा, सरकार जितनी फंड देगी देगी, और उसे अलग जरूरत पड़ेगा स्कूल बनाने के लिए तो मैं अपने निजी कोष का उपयोग स्कूल के लिए करूंगा।